पार्ट 61 है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज का। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे ताकत निकलती है। जितना ज्यादा किसी गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, उतना ही ज्यादा वो गवर्नमेंट ताकतवर होगी। आज की डेट में चाइना देखिए कितने फॉरेक्स रिजर्व है उनके पास, और जो कुछ भी वो आज के डेट में कर रहे हैं वो अपनी फाइनेंशियल ताकत के दम पे ही कर पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लक्ष्मीकांत की ये किताब आपके पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए। वीडियो पे लाइक का बटन दबाइए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। यहाँ पे दो अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है, एक 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 की और एक 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 की। ये जो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 है ये जीएसटी का एक्ट है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। देखिए अभी जो टैक्सेशन का सिनेरियो चल रहा है हमारी कंट्री में, और इस टैक्सेशन के बाद जो पैसा आता है उस पैसे को जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में बांटा जाता है, इसमें 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 का बहुत मेजर रोल रहा है। अभी के लिए आप देखो तो ओवरऑल जो भी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसे का, उसमें ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, 80th और 101st। 80th अमेंडमेंट एक्ट 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे लेके आया गया था। 10th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला कि देखिए जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 29% ऑफ द पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। और इस 80th अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को चेंज किया। क्या चीजें चेंज की इसने, देखिए इस एक स्कीम लेके आया है 80th अमेंडमेंट। इस स्कीम को बोला गया है अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन। इस अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन से क्या करा गया, देखिए सरकार के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके का पैसा आता है। इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, वो भी एक तरीके का इनकम टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होती है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जिसका पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं बांटती थी। ये जितने भी मेजर टैक्सेस है ना, इनकम टैक्स हो गए, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गए, कस्टम ड्यूटीज हो गई, इनको एक में क्लब किया 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। और बाद में बोला गया कि अब इन सबका पैसा मिला के एक सेंट्रल पूल बनेगा और उस सेंट्रल पूल को बांटा जाएगा सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, समझ गए। तो मतलब कि ओवरऑल जितने भी मेजर टैक्सेस आ रहे हैं सरकार के पास, जो भी मेजर टैक्स के सोर्सेज हैं जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, इन सबको आप एक पूल में डालोगे और फिर उस पूल से आप कुछ परसेंट पैसा निकाल के दोगे स्टेट्स को। 10th फाइनेंस कमीशन ने यह परसेंट बोला था 29%। तो 80th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इन सबसे पैसा निकल के स्टेट्स के पास जाने लगा था और लमसम 29% पैसा स्टेट्स के पास जाएगा, ये बात बोली गई। ओके, वैसे तो आप देखिए ये 80th अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 में, बट इसका जो इफेक्ट था वो रेट्रोस्पेक्टिव था, यानी कि स्टेट्स को जो पैसा मिला वो मिला विद इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 1996। तो 80th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इस 80th अमेंडमेंट एक्ट ने एक और चीज की, आर्टिकल 272 को डिलीट कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 272 वाज डिलीटेड। अभी आर्टिकल 272 डिलीट क्यों हुआ, अगर आपको यह जानना है दोस्तों, तो आपको बहुत से आर्टिकल समझना पड़ेंगे, 268, 269, 269A, 270, 271। अब ये जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों, ये बताते हैं कि स्टेट और सेंटर के बीच में पैसा कैसे बैठा जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो कुछ मेजर टैक्सेस थे जो सरकार सिर्फ अपने पास रख लेती थी, जैसे कि कस्टम ड्यूटी और कुछ एक दो टैक्सेस थे, उन टैक्सेस के पैसे को भी सरकार स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे। अभी सरकार उन टैक्सों को अपने पास रखती किसके थ्रू थी, आर्टिकल 272 के थ्रू, जिसमें ये लिखा होता टैक्सेस विच आर लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी ये आर्टिकल 272 कुछ टैक्सेस को लेके सेंटर को ताकत देता था कि उन टैक्सेस के थ्रू जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के आ रहा है उसमें से कौन कितना पैसा स्टेट को देना है नहीं देना है, ये चीज डिसाइड करने की ताकत सेंटर के पास थी। कहने का मतलब ये आर्टिकल 272 सेंटर को ज्यादा ताकत देता था फाइनेंशियल फील्ड में। इसके अंदर रखे गए टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट ना भी करे तो भी चलेगा। इस चीज को हटा दिया गया 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू, और 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू बोला गया कि जितने भी मेजर टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स पे लगता है, जैसे कस्टम्स टैक्स जो कस्टम ड्यूटी होती है, खासकर इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे तो टैक्स नहीं लगता है अभी की डेट में ग्राउंड लेवल पे, इनफैक्ट बेनिफिट दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, और कॉर्पोरेशन टैक्स जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से कंपनीज है, एमएनसी काम कर रही है, ये जो पैसा कमाती है ये टैक्सेस देती है, ये सब स्टेट्स के साथ
शेयर होंगे। तो 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 272 के थ्रू हटा दिया गया। बात करें 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 की, तो इसके थ्रू आया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के थ्रू किसको दी गई है ताकत टैक्स लगाने की? तो भैया पार्लियामेंट के पास भी ताकत है टैक्स लगाने की और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ताकत है टैक्स लगाने की। देखा है ना, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CGST सेंटर का, SGST स्टेट्स का। कहने का मतलब है कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स हैं। जीएसटी का मतलब ये मत समझिए कि केवल पार्लियामेंट के पास ताकत चलेगी। हाँ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी का पैसा आता है, उसके बाद उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट्स पे। ओके, तो जीएसटी के थ्रू जितना भी पैसा आ रहा है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। ओके, बट फिलहाल के लिए आप देखो तो जीएसटी के अंदर टैक्स लगाने की ताकत सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है। इनफैक्ट अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हो या राजस्थान पीसीएस का एग्जाम देते हो और वहां के जो स्टेट टैक्स के डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहां पे जीएसटी में आप भी काम करोगे। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल IRS है वही जीएसटी में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी जीएसटी में काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टेट्स को भी जीएसटी में ठीक ठाक ताकतें दी गई हैं। ओके, अब जीएसटी लगाया किस पे जाता है? तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जाता है। अभी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। आप देखिए जीएसटी ने किया क्या, जीएसटी ने यूनियन की बहुत सारी ड्यूटी, वो टैक्सेस जो पहले यूनियन गवर्नमेंट लगाती थी, वो टैक्सेस जो पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, ऐसे बहुत से यूनियन टैक्सेस को और ऐसे बहुत से स्टेट टैक्सेस को इस जीएसटी ने क्या किया, अपने अंदर ले लिया। पहले तो देखते हैं जीएसटी ने कौन से यूनियन टैक्सेस को सब्स्यूम किया। अगर यूनियन टैक्सेस की बात की जाए तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी नोन एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस। देखिए दोस्तों, अच्छा एक चीज, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस सो फार एज दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो सरचार्जेस और सेसेस लगाए गए थे वो चले गए जीएसटी के अंदर। अलग से सरचार्ज और सेस तो लगाती ही है सरकार अभी। अब इन टैक्सेस के बड़े अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, बड़े अलग अलग, इनको समझाना इतना आसान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस टैक्स की बात करो, अगर मान लीजिए पहले आप SSC CGL का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, तो जब आप सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नरेट में जाते हैं ना, वहां पे हो सकता है आपको सेंट्रल एक्साइज दे देते, हो सकता है आपको सर्विस टैक्स दे देते। सर्विस टैक्स वालों का काम क्या होता था कि जितने भी रेस्टोरेंट है, अभी आप रेस्टोरेंट में जाते थे वहां पे जब आपका बिल होता था उसमें सर्विस टैक्स बन के आता था। आप कैरियर लॉन्चर कोचिंग में गए या किसी टाइम की कोचिंग में गए या फिर किसी वाजीराम या फिर विजन आईएएस की कोचिंग में गए, वहां पे जाके आपने कोचिंग की, कोई कोचिंग खरीदी, तो वहां पे जो आप टैक्स दोगे वो सर्विस टैक्स हुआ करता था। अभी इन सब टैक्सेस की जगह जीएसटी आ गया। इनफैक्ट मान लो कल की डेट में मैं यूट्यूब मेंबरशिप शुरू करता हूं, तो पहले जो टैक्स पड़ता वो सर्विस टैक्स होता, अब क्या लगेगा? जीएसटी। तो ये था, मतलब जब कोई सर्विस टैक्स प्रोवाइड करे, मान लीजिए ठीक है ना कि मतलब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको सर्विस टैक्स बोलते थे, ये सर्विस टैक्स को भी जीएसटी में ले लिया गया। फिर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है कि मान लीजिए चाइना से आपने इंडिया में ग्लव्स मंगाए, अभी वो ग्लव्स चाइना से इंडिया में आ रहे हैं, अभी इंडिया के जो लोकल ग्लव्स प्रोड्यूसर हैं वो मान लीजिए ग्लव्स को महंगे दाम पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और चाइना से जो ग्लव्स आ रहे हैं वो सस्ते आ रहे हैं, तो उस केस में इंडिया वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नॉन कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, इसलिए चाइना से आने वाले गुड्स, ये जो गुड्स हैं उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ साथ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी जिसको काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोला जाता था। तो इस तरीके की बहुत सी ड्यूटीज थी यूनियन की जो कि अब जीएसटी के अंदर आ गई। उसी तरीके से स्टेट्स की भी बहुत सी ड्यूटीज हैं, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स बोलते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, पहले आप मूवी देखने जाते थे, अभी कभी आपने मूवी का बिल देखा हो ध्यान से, सिर्फ मूवी के अलावा आपका बिल पे भी ध्यान गया हो तो वहां पर इंटरटेनमेंट टैक्स होता था। ये इंटरटेनमेंट टैक्स किसको मिलता था? सरकारों को मिलता था। अब आप देखोगे उसमें तो जीएसटी उसमें भी आ गया। फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राई टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, जाने कितने तरीके के टैक्स लगते थे, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सर्विस एंड सेसेस इन सो फार एज दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप गोवा जाते हो और गोवा में जाके किसी कैसीनो में जाते हो, वहां पे गैम्बलिंग करते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट की ताकत थी पहले, अब वो किस में आ गया? जीएसटी में आ गया। तो ये वो टैक्सेस हैं जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास थे बट अब कहाँ चले गए? जीएसटी के अंदर चले गए। अभी जीएसटी में काम कैसे होता है उसकी भी हल्की फुल्की आउटलाइन लेंगे। हालांकि जीएसटी अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा जीएसटी में घुसने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, और जितना मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल है, कहीं और जाने की जरूरत है, आपको कहीं और मिलेगा नहीं। अभी ये जो 101st अमेंडमेंट आया ना,
101st अमेंडमेंट एक्ट ने दो चीजों को उड़ा दिया। एक तो इसने आर्टिकल 268A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उड़ा दिया, एक इसने जो यूनियन लिस्ट है ना 7th शेड्यूल में उसमें एंट्री नंबर 92C, इन दोनों को उड़ा दिया। तो सबसे पहले उड़ा आर्टिकल 268A, दूसरा उड़ा एंट्री 92C इन यूनियन लिस्ट। ये दोनों चीजें डील करती थी किसके साथ, ये दोनों चीजें डील करती थी आपकी सर्विस टैक्स के साथ। क्योंकि सर्विस टैक्स अब जीएसटी के अंदर आ चुका था तो आर्टिकल 268 का मतलब नहीं है और एंट्री 92C का भी मतलब नहीं है। ओके, ये जो आर्टिकल 268 था, आर्टिकल 92C था, इसको लाया गया था 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। बट अब ना 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003 काम कर रहा है, ना ही आर्टिकल 268 और 92C काम कर रहे हैं। सर्विस टैक्स का मतलब क्या था? इट वॉज कलेक्टेड बाई द सेंटर, सर्विस टैक्स वॉज लेवीड बाई द सेंटर। एक मिनट, सर्विस टैक्स वॉज लेवीड बाई द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाई बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब कि सेंटर सर्विस टैक्स को लगाएगा, कितना परसेंट सर्विस टैक्स किसी चीज पे लगाना है ये डिसाइड कौन करेगा? सेंटर। लेकिन कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड उसको कलेक्ट कौन करेगा? तो सेंटर और स्टेट्स दोनों कलेक्ट करेंगे। अभी सर्विस टैक्स में मान लीजिए आप किसी, अभी मैं मान लीजिए जीएसटी की बात नहीं कर रहा, जीएसटी से पहले 2014 में आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अभी वो रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में, उस रेस्टोरेंट में बैठ के आपने खाना खाया, सर्विस टैक्स हुआ, तो वहां पे उस टैक्स को किसने कलेक्ट किया? उस टैक्स को कलेक्ट किया ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। वहीं पे आप चले गए कहां पे, मान लीजिए आप जाते हो दमन एंड दीव, दादर एंड नागरखली में, वहां पे किसी रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाते हो, तो वहां पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो जो सर्विस टैक्स है उसके टैक्स रेट को कौन डिसाइड करता था? सेंटर। तो लेवी का मतलब होता है कि लगाने की ताकत, और कितना लगाने की ताकत? तो लेवीड बाय द सेंटर मतलब सेंटर के पास लगाने की ताकत है और सेंटर ही डिसाइड करेगी कि कितना परसेंट सर्विस टैक्स लगेगा। कलेक्टेड मतलब कौन उसको कलेक्ट कर रहा है, और अप्रोप्रिएट मतलब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो सर्विस टैक्स का क्या होता था कि लगाती थी सरकार, रेट डिसाइड करती थी, कलेक्ट सेंटर स्टेट दोनों करते, तो जितना भी पैसा कलेक्ट होता था उसको अप्रोप्रिएट दोनों करते थे, मतलब इस्तेमाल दोनों लोग करते थे, सेंटर भी इस्तेमाल करता था स्टेट्स भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे तीन शब्दों का मतलब, लेवी मतलब टैक्स लगाना, कलेक्ट मतलब कौन टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, अप्रोप्रिएट मतलब कौन उस टैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब हम आते हैं मेन चीज पे, इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखते हुए, किसको किसको, 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 एंड 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 को देखते हुए, अभी के लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में ये जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होता है, इसको एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए, जहां पे आता है आर्टिकल 268, टैक्सेस लेवीड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। आप अगर लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो इसमें आती है स्टैंप ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर्स। नहीं समझ में आया होगा भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है, अभी इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको सरकार के ठप्पे की जरूरत होगी। अभी सरकार का ठप्पा किस तरह पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी के थ्रू। उस स्टैंप ड्यूटी के थ्रू आप सरकार को कुछ लीगल पैसा दे रहे हो और वहां सरकार की स्टैंप आ रही हो, जिस डॉक्यूमेंट में सरकार की स्टैंप आ गई वो क्या हो गई? वो हो गई आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट, और सरकार के पास भी उसकी कॉपी चली जाएगी। मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये भले आपको ना समझ में आए, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इन सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त हैं, आप मान लीजिए एक दोस्तों का ग्रुप है और आप लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग एक कंपनी बनाते हैं, गारमेंट की कंपनी। तो चार दोस्त हैं, चारों दोस्तों को गारमेंट के फील्ड में एक्सपीरियंस है, चारों लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली। मान लीजिए चार लोग हैं, ए बी सी डी, चार लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। अभी चार लोग जब मिलकर कंपनी बना रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है, मान लो चारों के 25% शेयर है। ओके, अब कौन डिसाइड करेगा कि भैया हाँ भाई ये चारों ने मिलकर कंपनी बनाई और सबके पास 25% शेयर है? तो भैया उस कंपनी को रजिस्टर करने के बाद ये लोग एक चीज बनाएंगे जिसको बोला था पार्टनरशिप डीड। इंडिया में जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, और केवल इंडिया में नहीं, तीन या चार तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक रजिस्ट्रेशन होता है प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब एक आदमी उसका मालूम है। एक रजिस्ट्रेशन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो बड़ी कंपनी होती है उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेना पड़ता है, ये होता है प्राइवेट लिमिटेड में। एक चीज होती है LLP पार्टनरशिप, ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कंपनी बनती है। एक सिंपल पार्टनरशिप की कंपनी बनती है। सिंपल पार्टनरशिप में बहुत सारे ओनर्स हैं, अभी बहुत सारे ओनर्स हैं तो उन ओनर्स की अपनी अपनी ओनरशिप है। वो ओनरशिप कहाँ लिखी रही है? पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट का मिलेगा जब इसके ऊपर स्टैंप लगा होगा सरकार को। तो मान लीजिए
महाराष्ट्र में आपने एक पार्टनरशिप की कंपनी खोली, तो आप एक पार्टनरशिप डीड बनवाओगे, उसमें एक सीए होगा, वो सीए बैठ के सारे टर्म्स डिक्टेट करेगा, सबकी लीगल लाइबिलिटीज डिक्टेट करेगा, वो सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा कि ये चार पार्टनर्स हैं, इनके इतना इतना पैसा है। एक बार जब पार्टनरशिप डीड बन गई, उसके ऊपर सरकार का ठप्पा लगेगा, उस ठप्पे पे ऊपर लिखा होगा कि सरकार को भैया इसमें कितना पैसा जमा किया। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्टैंप ड्यूटी लगी हुई है, उस स्टैंप ड्यूटी के ऊपर लिखा रहता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को इसने 500 रुपए दिए, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को इसने 500 रुपए दे दिए और लीगली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ठप्पे लगा दिया इस पार्टनरशिप डीड पे, मतलब अब ये पार्टनरशिप डीड लीगल हो गई। इस तरीके की बहुत सी स्टैंप ड्यूटी जमा होती है। ओके, तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैक्सेस लेवीड बाय द सेंटर, इस तरीके के जो भी चीजें होंगी, जैसे कि इंश्योरेंस के कागजात हो गए, शेयर्स का ट्रांसफर हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, चेक्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, इस तरीके की जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सब पे कितना कितना पैसा वसूलना है, कितने कितने रुपए की स्टैंप ड्यूटी इन पे भरनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन उसको कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो सरकार ने डिसाइड कर दिया कि 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरनी है पार्टनरशिप डीड पे। अभी वो 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरी कहां जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास। वो 500 रुपए चला कहां जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास। तो ये वाला जो पैसा होता है ना आर्टिकल 268 का स्टैंप ड्यूटी वाला, इसको कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है और इसको अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी ये पूरा का पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, सेंटर के पास नहीं जाता है। हालांकि पैसा कितना जमा करना है, लेवी कितना करना है, वो सेंटर ही डिसाइड करेगी, बट कलेक्शन का काम और इसको खर्च करने के लिए जो मतलब ये कमाई किसकी होगी? कमाई होगी स्टेट गवर्नमेंट की। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 268 के अंदर। तो आर्टिकल 268 के अंदर ये जो स्टैंप ड्यूटी है, ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, ये जिस स्टेट में कलेक्ट किया जा रहा है उसी स्टेट का हो जाएगा। तो ऐसे स्टेट जहां पे ज्यादा बिजनेस चलते हैं, ऐसे स्टेट जहां पे ज्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, वहां पे इस तरीके की चीजों से पैसा बहुत आता है। फिर आते हैं बी पे, आर्टिकल 269। अगला है आर्टिकल 269 दोस्तों। अभी 269 और 269A की बात करोगे, 269A तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहां देखिए क्या लिखा है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यहां पे क्या लिखा है? टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट्स। अभी देखिए, आप अगर लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 269 को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है दो तरीके के टैक्स आ रहे हैं इसके अंदर, टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, दूसरा टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। ये एक्चुअली में आर्टिकल 269 लग किस पे रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताता हूं, जो रेलवे फेयर होते हैं ना, उन रेलवे फेयर्स के ऊपर कभी कभी टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स को लगाने की ताकत किसकी होती है? सेंटर की। इसको कलेक्ट करने की ताकत किसकी होती है? सेंटर की। लेकिन इसको असाइन किसको किया जाता है? दिया किसको जाता है? स्टेट्स को। तो कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनको लगाता है सेंटर है, कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन वो दिए जाते हैं स्टेट्स को, जैसे कि रेलवे फेयर्स। फिर टर्मिनल चार्जेस होते हैं, जैसे कि आप किसी पोर्ट पे जाइए, चाहे आप चेन्नई पोर्ट पे जाइए, मुंबई पोर्ट पे जाइए, गोवा पोर्ट पे जाइए, ठीक है, टूटीकोरिन पोर्ट पे जाइए, कोलकाता पोर्ट पे जाइए, पोर्ट टर्मिनल के चार्जेस लगाए जाते हैं। उसी तरीके से रेलवे स्टेशन पे टर्मिनल चार्जेस लगते हैं, गुड्स के ऊपर भी लगते हैं, पैसेंजर्स के ऊपर भी लगते हैं, मेनली गुड्स के ऊपर लगते हैं। तो इस तरीके के टैक्सेस को कौन लेवी करता है? सेंटर। कलेक्ट कौन करता है? सेंटर। बट दिए किसको जाते हैं? स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है, कौन से स्टेट्स को दिए जाएंगे? जिस स्टेट्स में चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ये आते हैं आर्टिकल 269 में, ये एक्चुअली बहुत कम होते हैं। मेन है आर्टिकल 269A, ये है भाई रेवोल्यूशनरी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे लगाई कराया जाता है, चाहे गुड्स का ट्रेड हो रहा हो इंटर स्टेट, चाहे सर्विसेज का ट्रेड हो रहा हो, अब लगेगा जीएसटी। तो मतलब आप कोचिंग खरीद रहे हो तो आप कौन सा टैक्स करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए नियम कानून कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट उन प्रिंसिपल्स को डिसाइड करेगा कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में एक गुड की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी गई। ओके, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे क्या न्यूएंसेस है, ये डिसाइड करना पार्लियामेंट का काम है। तो मतलब इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स, कहां से वो गुड शुरू हुआ, कहां पे वो गुड गया, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, किसी भी एक चीज को मैन्युफैक्चर करने में बहुत सी चीजें लगती हैं। अभी कार का मान लीजिए प्लांट लगा हुआ है गुजरात में, तो उस कार में लगने वाली सारी चीजें गुजरात से नहीं आ रही होंगी, कुछ तमिलनाडु से आ रही होंगी, कुछ आपकी कलकत्ता से आ रही होंगी, कुछ कहीं और से आ रही होंगी। तो अभी वो गुड्स इनिशियली शुरू कहां से हुए, कहां पहुंचे, कहां बिके, इस पूरे प्रोसेस में टैक्स कहां लगा, ये सब डिसाइड करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। लेकिन जो भी टैक्स इकट्ठा होगा, उस टैक्स को सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, ये पार्लियामेंट करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है,
जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। जब भी जीएसटी की बात आती है ना, जीएसटी काउंसिल बहुत ताकतवर हो जाता है। और खास बात यह है कि इस जीएसटी काउंसिल में 1/3 ताकत स्टेट्स ये सेंटर के पास है और 2/3 ताकत स्टेट्स के पास। ओके, आगे चलते हैं, आर्टिकल 270 की बात करेंगे। टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब इसको लेवी भी सेंटर कर रहा है, कलेक्ट भी सेंटर कर रहा है, सेंटर स्टेट्स दोनों में बट रहे हैं। इसमें कुछ कैटेगरी के टैक्सेस नहीं आते, जैसे कि मैंने आर्टिकल 260 अभी बात की वो नहीं आता, आर्टिकल 269 बात की वो नहीं आता, आर्टिकल 269A जीएसटी की बात की वो नहीं आता, लेकिन बाकी सारे टैक्सेस उसमें आते हैं। फिर कभी कभी टैक्सेस और सरचार्ज लगाया जाता है टैक्सेस और ड्यूटीज पे। ये सरचार्ज लगाने की ताकत देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। फिर कभी कभी सेस लगाया जाता है, जैसे आपको याद होगा स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था, क्लीन कोल सेस लगाया गया था। तो ये सेस, ये सरचार्जेस, इस तरीके की चीजों को लगाने की ताकत किसके पास होती है? सेंटर के पास। सरचार्जेस ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज किसमें लगते हैं? आर्टिकल 271 के अंदर। सेसेस को लगाने की ताकत भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एक तरीके से सरचार्ज और सेस आप बोल सकते हो टैक्स ऑन टैक्स, यानी सेस तो बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। तो सरचार्ज और सेस लगाने की ताकत होती है किसके पास? सेंटर के पास। और ये सरचार्ज और सेस स्टेट्स के साथ बांटा नहीं जाता। तो आर्टिकल 270 के अंदर उन टैक्सेस की बात की जिनको लेवी और कलेक्ट सेंटर करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लेकिन उनमें तीन तरीके के टैक्सेस नहीं आते हैं। पहले जो मैंने बताया 268, 269 और 269A, ये तीन वाले नहीं आते इस आर्टिकल 270 के अंदर। फिर आर्टिकल 271 के अंदर जो सरचार्ज दे रखा है ये नहीं आता, सेस नहीं आता, बट बाकी आते हैं। भैया कौन कौन से आते हैं ये भी एक सवाल है। तो भाई जितने भी टैक्सेस यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं वो सभी आर्टिकल 270 के अंदर आते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, बाकी जितने भी सारे टैक्सेस हैं यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं वो सब आ जाएंगे आर्टिकल 270 के अंदर। इनकम टैक्स तो सरकार लेती है, कस्टम ड्यूटी तो सरकार लेती है, और वो सारे के सारे टैक्सेस स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ई, सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 271। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, देखिए पार्लियामेंट के पास ताकत है कि टैक्सेस और ड्यूटीज के ऊपर वो सरचार्ज लगा सकते हैं। ओके, आर्टिकल 269 के अंदर जो टैक्स दे रखा है, जैसे जीएसटी के अलावा जो पहले मैंने बताया था 269 और 270, जीएसटी के ऊपर तो सरचार्ज लग ही नहीं सकता, ठीक है, जीएसटी के ऊपर सरचार्ज लग नहीं सकता। हालांकि कंपनसेशन सेस लगाया गया जीएसटी पे, बट सरचार्ज नहीं लग सकता जीएसटी पे, लिखा हुआ किताब में। ओके, तो आर्टिकल 269 के अंदर जो टैक्सेस है, आर्टिकल 270 के अंदर जो टैक्सेस है, उनके ऊपर सरचार्ज लगाया जा सकता है, और ये सरचार्ज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ये स्टेट के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। तो स्टेट कल कोर्ट के बोल दे कि हमको सरचार्ज दो, नहीं दिए जाएंगे। और फाइनली आते हैं हम लोग किस पे, टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द सेंटर। अगर आप स्टेट लिस्ट उठाते हो और स्टेट लिस्ट में ये जो 7 शेड्यूल के अंदर जो स्टेट लिस्ट है वहां पे 18 ऐसी चीजें दे रखी हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाने की ताकत है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे कि भैया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने की ताकत स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एग्रीकल्चर के ऊपर आप इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। तो अमिताभ बच्चन किसान है, ठीक है, मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े लोग एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं और उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता नहीं, तो टैक्स बचाने का एक तरीका है। ओके, तो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड में स्टेट ड्यूटी, स्टेट्स में जो लैंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाना, मिनरल राइट्स, एक्साइज ड्यूटी वसूल करना लिक्वर के ऊपर। ओके, तो दोस्तों इस तरीके की चीजें, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन और सेल पे टैक्स, ये सब चीजें आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास आती हैं। आप यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई लक्ष्मीकांत, आप पढ़ लीजिए, अभी उतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत है। तो ओवरऑल मैंने इस चैप्टर को आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, आई होप आपको पसंद आया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।